आयत नंबर 87 सूरह बकरा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद आतैना, और अलबत्ता यकीनन हमने अता की मूसा अलैहि सलाम को, अल किताब किताब, वकफ़ैना और हमने पै दर पै भेजे, मिन बादिही उसके बाद बिरुसुली रसूल, वह आतैना और हमने अता कि ईसा बिन मरियम, मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को, अल-बैनात रोशन दलाइल रोशन निशानियां वाज़िया निशानियां, वह अय्यदनाहु और हमने तायीद की उसकी, हमने मदद की उसकी, हमने कुव्वत बख्शी उसको, बिरुहुल कुदुस रूहुल कुदुस से पाक रूह से, अफकुल्ला क्या भला जब कभी जाअकुम रसूल, आए तुम्हारे पास रसूल, बिमा लाता हुआ साथ उसके, जो नहीं पसंद किया, अनफुसकुम नफ्सों ने कुम तुम्हारे, इस तकबर तुमने तकबर किया, फफारीकन बस एक ग्रोह को, कज़ब तुमने झुटलाया, वफारीकन और एक ग्रोह को, तकतलू तुम कत्ल करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले जिन अंबिया और रसूल का नाम कुरान मजीद में मौजूद है, वह हारून, ज़ुल्किफ़, इलियास, अलियासा, दाऊद, सुलेमान, अजीज, यूनस, ज़करिया, याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हदीस में यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आता है। लुकमान अलैहिस्सलाम के नबी होने में इख्तलाफ है। बहुत से रसूलों का तस्करा कुरान में नहीं किया गया, वो आप सूरह मोमिन की आयत नंबर 78 में देख सकते हैं। यहाँ पे ताकीद से कहा जा रहा है, अलबत्ता यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल हुई थी और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत ज्यादा पैगम्बर आए, पैदा पे कफ कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, तो जिस तरह रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, इसी तरह इतनी तादाद में मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियाने वक्फे में बहुत ज्यादा अंबिया आए, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम में रवायत के मुताबिक 2000 साल का फासला बनता। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल-बैनात रोशन दलाइल दी। अल-बैनात उससे मुराद मौजज़े हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना, मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाकर इसमें फूंक मारना फिर वो परिंदा बन जाता था, अंधे और बर्स के मरीज को तंदुरुस्त वगैरह करना, जिसका जिक्र सूरत आले इमरान में आप पढ़ेंगे। और इन तमाम कामों में बिरूहुल कुदुस, बिरूहुल कुदुस कौन है? इससे मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इस बात की दलील के रूहुल कुदुस से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही है, यह है कि सूरह शौरा में 193 में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन भी फरमाया गया, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसान रजी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक फरमाया, ए अल्लाह इसे रूहुल कुदुस के साथ कुव्वत बख्श। एक और हदीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू कुरैज़ा से जंग वाले दिन हसान रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, मुशरिकीन की हिज्जो कर, क्योंकि यकीनन जिब्राइल तेरे साथ है। तो मालूम हुआ कि रूहुल कुदुस जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अगरचे तमाम अंबिया को बैनात अता हुए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए ही से वही हुई, मगर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मौजज़ों और रूहुल कुदुस की ताईद का खास तौर पर इसलिए जिक्र किया गया कि यहूद ने इतने बरगजीदा पैगम्बर को भी चुटलाया, बल्कि उन्हें अपने ख्याल में सूली भी चढ़ा दिया और फिर इसे अपना फख्र भी बताने लगे और फख्रिया कारनामे बताना शुरू हो गए, इसलिए खास तौर पर यहाँ पे इनका जिक्र किया गया। अफकुल्लामा जाअकुम रसूल, क्या भला जब कभी तुम्हारे पास आए कोई रसूल, बिमा लाता हुआ उस चीज को लेकर जिसे तुम्हारे दिल ने ना चाहा, जिसे तुम्हारे दिल ने कबूल नहीं किया। अंबिया की तालीम उनकी तबीयतों के खिलाफ होती थी, क्योंकि बहुत बिगाड़ आ चुका था। उनकी राय और उन्हें उनके बनाए हुए असूल और अहकामात उनकी कबूलियत के खिलाफ उकसाते थे, इसलिए फिर वो दुश्मनी पे तुल जाते थे। क्या हुआ इसका रिजल्ट? जब अपनी राय अपनी अकल आगे रखी
इस्तकबर तो तुमने तकबर किया, तकबर पैदा हो गया कि हम इतने अक्लमंद, इतने समझदार, इतने क्लेवर, जैसे कुफारे मक्का में भी था, सरदारान कुरैश में, कि हम मक्का के सरदार और क्या अल्लाह को एक नौज मिला यतीम और चरवाहा ही मिला था नबूवत के लिए, क्या दो बस्तियों के सरदार मर गए थे। इस तरह की बातें तो कुफारे मक्का ने भी की। आज हमारा भी यही अलमिया है कि जब कोई हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, जब कोई एकामात पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना बिगाड़ आ चुका है कि उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हम अपनी राय को और अपने असूलों को नहीं तोड़ना चाहते, जिसकी वजह से फिर तकब्बुर आता है। और ये भी कि सारी जिंदगी हम ये करते रहे और अब हम इसे छोड़ेंगे तो बड़ी हमारी सुखी होगी, बड़ी हमारी इंसल्ट होगी, इस चीज को भी हम सब सामने रखते हैं। और हवा ख्वाहिश नफ्स कहा जाता है, तहवा ख्वाहिश नफ्स, यानी तुम्हारे नफ्स, अपने नफ्सों के हम इतने गुलाम हैं कि जो चीज हमें अपने नफ्स से ऑपोजिट मिलती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और यही इंसान की आजमाइश है कि जिस चीज की तरफ नफ्स माइल हो और अल्लाह उसका रसूल उससे मना करे और उसकी ख्वाहिश भी इंसान के अंदर मौजूद हो फितरत में और मना किया जाए और उससे रुक जाने का नाम ही तो अतात है। और किस चीज को अतात कहते हैं? ऐसा तो नहीं कि जो अपनी पसंद की चीजें हैं, अपने मतलब की चीजें हैं, अपनी गर्ज की चीजें हैं वो तो ले ली और जो नफ्स पे गिरा गुजरती है, जैसे सूद छोड़ना, रिश्वत छोड़ना या पर्दा करना और शरी पर्दा करना और चेहरे का पर्दा करना, यानी चेंज करते रहे हर चीज को देखते जाए, तो वहां आके क्या हो जाता है कि हमारे नफ्स पे गिरा गुजरता है। अब उन्होंने क्या किया, फरीकन कज़्ज़बतुम, एक फरीक को उन्होंने झुटला दिया। झुटलाया किसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईसा अलैहि सलाम को झुटला दिया। और एक फरीक को तुमने कत्ल किया, ज़करिया अलैहि सलाम को कत्ल किया, शहीद किया, और यहया अलैहि सलाम को इन्होंने शहीद किया, और बहुत से पैगम्बरों को, बहुत से नेक लोगों को बनी इसराइल की रविश थी कि आराम से कत्ल कर देते और सुबह कत्ल करते और शाम को आराम से अपने बाजारों में उसी तरह लेन देन कर रहे होते कि जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये उनकी रविश थी और यही रविश अब आज हमारे अंदर इतनी आ चुकी है कि हम भी अहले इल्म से नाउज़बिल्ला एक नफरत भी करते हैं और नफरत ना भी करें तो उसको एक फिरका बंदी के आड़ में एक दूसरे के उल्मा को कत्ल किया जाता है और फिर उसके बाद परवाह भी नहीं की जाती। तो अल्लाह ताला हम सबको उस तमाम रविश से जो यहूद नसारा की थी महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स का कभी भी गुलाम ना बनाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।